Hello friends, welcome to my channel. Today we'll study how to use a scientific calculator, यानी कि scientific calculator का उपयोग कैसे होता है. तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो. और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो ये बटन दबा करके अपना सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए. तो सबसे पहले फॉर एग्जाम पर्पस वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर अवर कैलकुलेटर इज नॉन प्रोग्रामेबल, मतलब हमारा जो कैलकुलेटर है वो नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए. इफ योर कैलकुलेटर इज फाउंड प्रोग्रामेबल इट विल बी कन्फिस्केटेड फ्रॉम यू एंड यू विल बी रिपोर्टेड बाय द इन्विजिलेटर फॉर अनऑथराइज यूज ऑफ द मटेरियल. तो यहां पर मैंने एक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स का लिस्ट अटैच किया है, पर इसमें से मैं जो यूज समझाने वाला हूं वो है केशियो FX82MS. तो ये लिस्ट जो नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स का है इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, पर अभी जो मैं यूज समझाने वाला हूं वो है FX82MS. ये बहुत ही कॉमन माना जाता है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस गैलेक्सी. सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें से कोई भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. बट आई विल सजेस्ट यू टू यूज दिस FX82MS केशियो. तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में. तो जैसा कि मैंने बताया, मैं ये वीडियो बना रहा हूं केशियो के FX82MS कैलकुलेटर पर, जो बहुत ही कॉमन माना जाता है, जो कि नॉन प्रोग्रामेबल है विथ अबाउट 240 फंक्शंस, 240 जितने फंक्शंस इसमें हो सकते हैं. टू लाइन डिस्प्ले, मतलब इसमें दो डिस्प्लेज हैं, एक ऊपर और नीचे दो लाइंस है, दो रोज है. कलर कोडेड कीपैड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से कलर्स यूज किए हैं. ये येलो है, ये रेड वाला है, ये व्हाइट है, ब्लैक है, एनी ग्रे है, रेड है. सो न्यूमरस कलर्स आर यूज फॉर आइडेंटिफाई एंड यूज डिफरेंट फंक्शंस. तो यहां पे फंक्शंस जो हम यूज कर सकते हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, परम्यूटेशन फंक्शन, कॉम्बिनेशन एंड मेनी अदर फंक्शन. बहुत से हम फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका मैं यूज आज आपको सिखाऊंगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में. तो सबसे पहले इनिशियलाइजिंग द कैलकुलेशन कैलकुलेटर और टर्निंग पावर ऑन एंड ऑफ. तो पहले ऑन कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं. ऑन करने के लिए ऑन वाली स्विच दबाते हैं, ये वाली, और ऑफ करने के लिए शिफ्ट प्लस एसी. तो मैंने ये पहले शिफ्ट दबा दिया फिर एसी दबा दिया, तो ये हो गया ऑफ. तो अभी ऑन करके रखता हूं. वेर इनिशियलाइजिंग द कैलकुलेटर, उसके बाद हम देखेंगे इनिशियलाइजिंग द कैलकुलेशन कैलकुलेटर. परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर वेन यू वॉन्ट टू इनिशियलाइज द कैलकुलेटर एंड रिटर्न टू द कैलकुलेशन मोड एंड सेटअप टू देयर इनिशियल डिफॉल्ट सेटिंग. मतलब कैलकुलेटर यूज करने के बाद अगर इसके सेटिंग्स चेंज हो गए तो हमें अगर डिफॉल्ट सेटिंग्स पे रिटर्न होना है तो ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ताकि सब क्लियर हो जाए और हमारा कैलकुलेटर डिफॉल्ट मोड पर सेट हो जाए. तो उसके लिए हमें ऑन शिफ्ट मोड 3 और इक्वल टू प्रेस करना है. तो यहां पे जैसे कि कलर कोड दिखा रहा है, शिफ्ट दबा करके क्लियर दबाना है, फिर 3 रीसेट ऑल के लिए इक्वल टू दबाना है और फिर से इक्वल टू. तो मैं यहां पे दो बार इक्वल टू कर रहा हूं तो इसलिए यहां पर और एक ऐड कर रहा हूं, ऑन शिफ्ट मोड 3 इक्वल टू. तो ये अगर हमें रटना नहीं है तो इसके लिए ये कलर कोड याद रखना है. ये शिफ्ट की के लिए सभी येलो वाली जो कीज है वो यूज होगी, शिफ्ट क्लियर CLR लिखा है वो. उसके बाद ये 3 क्लियर ऑल सेटिंग्स, तो उसके लिए 3 दबाना है, फिर इक्वल टू और फिर से इक्वल टू दबाना है ओके के लिए. तो ये हमारा कैलसी डिफॉल्ट मोड पे सेट हो गया. तो इसे बोलते हैं इनिशियलाइजिंग द कैलकुलेटर. तो उसके बाद आगे बढ़ते हुए
हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा एडजस्टिंग डिस्प्ले कॉन्ट्रास्ट, मतलब जो ये कैलकुलेटर का डिस्प्ले है इसका कॉन्ट्रास्ट हमें सेट करना हो, इसकी ब्राइटनेस में सेटिंग करने हो, तो इसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज गो टू द मोड एंड वी हैव टू प्रेस मोड अ न्यूमरस टाइम अ नंबर ऑफ टाइम्स, फिर दो दबाना है, फिर ये दोनों एरो दिए गए हैं ब्राइटनेस बढ़ाने या घटाने के लिए, फिर एसी दबाना है, तो देखते हैं। चलो मोड, फिर से मोड दबाया, फिर से मोड दबाया और फिर से मोड दबाया, तो मैंने तीन चार बार मोड दबाया, इसके बाद में टू दबा रहा हूं मैं कंटिन्यू के लिए, तो ये आ गया डिस्प्ले मोड। इसकी ब्राइटनेस में ये लेफ्ट जा करके घटा सकता हूं और राइट साइड जा करके बढ़ा सकता हूं, तो चलो देखते हैं। ये पहले लेफ्ट जाके देखता हूं, ये मिनिमम है, इसको बढ़ा रहा हूं, तो ये मैक्सिमम हो गई। तो अभी हमारे कंफर्ट के हिसाब से हमें इसको सेट करना है, ये आ गया ओके। इसके बाद में हमें ओके करने के लिए, सेटिंग्स को सेव करने के लिए एसी दबाना है, तो ये हो गई हमारी एडजस्टिंग द डिस्प्ले कॉन्ट्रास्ट। तो इसके आगे हम देखेंगे स्पेसिफाइंग द कैलकुलेशन मोड। तो हमें कैलकुलेशन का मोड पहले सेट करना है, कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले। फॉर दैट वी नीड टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ कैलकुलेशन आर वी गोइंग टू परफॉर्म, मतलब इसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन से प्रकार के हम कैलकुलेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। इफ वी आर परफॉर्मिंग जनरल कैलकुलेशन, तो मोस्ट कॉमनली हम यही कैलकुलेशन यूज करते हैं, जनरल कैलकुलेशन, तो इसके लिए मोड दबा करके वन दबाना है। तो लेट अस चेक मोड, ये कॉम्प वन, ये हो गया हमारा जनरल कैलकुलेशन और डिफॉल्ट सेटिंग। ये कैलकुलेटर रीसेट करने के बाद हमें डिफॉल्ट यही जनरल कैलकुलेशन वाला सेटअप आ जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए मोड दबा करके टू दबाना है, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि यहां पे दिखा रहा है। फिर इफ यू आर परफॉर्मिंग रिग्रेशन कैलकुलेशन, मतलब रिग्रेशन के कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए मोड दबा करके आर ई जी रिग्रेशन थ्री दबाना है, तो ये उसके सेटिंग हमें मिलेंगे जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से सेट करना है। बट मोस्ट कॉमनली द कैलकुलेशंस आर जनरल कैलकुलेशंस, तो हमें ये जनरल में रखना है वन दबा करके, ये हो गया स्पेसिफाइंग द कैलकुलेशन मोड। तो ज्यादातर हमें जो यूज करना है वो रहेगा जनरल कैलकुलेशंस। तो इसके बाद आगे देखते हैं प्रेसिंग मोड की मोर देन वंस डिस्प्लेस व्हाट, मतलब मोड की, ये जो मोड वाली की है इसको एक से ज्यादा बार दबाने से कौन सी डिस्प्ले आती है और उसका क्या यूज है, चलो देखते हैं। ये एक बार दबाई तो हमने पहले देखा वो है स्पेसिफाइंग द कैलकुलेशन मोड, उसके बाद आएगी फिर से दबाने के लिए डिग्री रेडियन और ग्रेडियंट, तो यह आ गया फर्स्ट डिग्री रेडियंट और ग्रेडियंट, तो इसे सेट करने के लिए वन टू और थ्री दबाना है, विच स्पेसिफाइड डिग्री रेडियन एंड ग्रेडियंट। अगर हम डिग्री में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वन दबाना है, रेडियन कर रहे हैं तो टू दबाना है, और ग्रेडियंट कर रहे हैं तो थ्री दबाना है, पर ज्यादातर हम जो कैलकुलेशन यूज करते हैं वो डिग्री में ही रहते हैं, तो वन अभी दबा रहा हूं मैं। और कैलकुलेटर जो रिफ्रेश करने के बाद, रिसेट करने के बाद जो हमें वैल्यू देती है वो डिग्री में देते हैं। तो आगे देखते हैं मोड को और एक बार दबा करके, तो आ गया फिक्स एससीआई और नोम, मतलब फिक्स साइंटिफिक और नोम। तो ये फिक्स का मतलब है फिक्स स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस टू बी डिस्प्लेड एंड राउंड इट ऑफ, तो ये क्या करता है हमारे कैलकुलेटर को डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर देता है। तो चलो देखते हैं, ये फिक्स दबा करके ये वन करता हूं तो हमें कितने डेसिमल्स चाहिए पॉइंट के बाद, तो मैं सपोज तीन लिखता हूं यहाँ पे, तो ये आ गया 0.000, मतलब हम
तीन डेसिमल्स तक एक्यूरेट वैल्यू मिल सकती है, उसके बाद में हमारी वैल्यू राउंड ऑफ हो सकती है। तो चलो देखते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 654987 वॉट एवर इज इक्वल टू, तो इसका आंसर जीरो आ रहा है। चलो और कुछ कैलकुलेट करते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 65, तो इसकी आंसर आ रही है 0.123। तो एक्चुअल में इसका आंसर हमें 0.122 समथिंग वॉट एवर आगे आएगा, पर ये राउंड ऑफ कर देता है तीन डिजिट में। चलो एक बार और कैलकुलेट करते हैं रिफ्रेश करके, इसको नॉर्मल कर देते हैं, जैसे क्लियर कर देते हैं, शिफ्ट क्लियर 3 इक्वल टू ये रिसेट हो गया। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं 9 डिवाइडेड बाय 654, तो ये मेरा आंसर आया, इतने सारा डिजिट है 0.01376147। अब मैं इसको तीन डिजिट में फिक्स करता हूं, याद रखे गया 9 डिवाइडेड बाय 654, तो मोड फिक्स 3 ये हो गया। अब मैं करता हूं फिर से वही कैलकुलेशन, 9 डिवाइडेड बाय 654, तो मेरा आंसर आ गया तीन डिजिट में 0.014, जो पहले था 0.0139 समथिंग, तो ये राउंड ऑफ हो गया पॉइंट के बाद में तीन डिजिट में, तो ये यूज है फिक्स का। तो अब देखेंगे ये SCI साइंटिफिक का मतलब क्या होता है। ये 2 दबाया, फिर से मुझे कुछ वैल्यू सेट करनी है, तो इसके लिए मैं सेट कर रहा हूं 3, तो ये कुछ 10^2 में भी मुझे मिलेगा, तो इसकी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट मिलेगी। 9 डिवाइडेड बाई 654 जो हमने किया था वही कर रहा हूं, तो 1.38 इंटू 10^2 -2, तो ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है। तो ये हो गया फिक्स और SCI। इसके बाद जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल का मतलब है, नॉर्मल डिटरमाइंस द रेंज इन विच द रिजल्ट्स विल बी डिस्प्लेड, कौन सी रेंज में डिस्प्ले करेंगे। ये आप लोगों का ज्यादा यूज का नहीं है, पर इसे समझने के लिए, नॉर्म डिटरमाइंस द रेंज इन विच द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड। तो व्हाट आई पर्सनली थिंक इज, ये फिक्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये SCI और नॉर्मल जो है वो सीखने के लिए ठीक है, जिसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने अभी प्रोवाइड कर दी है। तो ये मैं कैल्सियो भी क्लियर कर दे रहा हूं, रिसेट कर दे रहा हूं, शिफ्ट मोड 3 इक्वल टू ये क्लियर हो गया। तो आगे देखते हैं, ब्रैकेट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रैकेट्स एंड व्हाई डू वी यूज ब्रैकेट इन कैलकुलेटर, मतलब ब्रैकेट का यूज क्या है कैलकुलेटर में और हम क्यों यूज करते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, 2 × 2 + 5 × 6, 2 × 2 + 5 × 6, तो इसका आंसर आ गया 34। पर अगर हम ब्रैकेट यूज करेंगे इसमें, 2 × (2 + 5)(6) = तो आंसर आ गया 84। तो दोस्तों ये डिफरेंस है ब्रैकेट करने और ना करने में कैल्सी में। तो आई वुड सजेस्ट जितने भी ज्यादा ब्रैकेट कर सको वो अच्छा रहेगा कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, ताकि कोई भी गलती ना हो। तो आगे देखते हैं हाउ टू परफॉर्म फ्रैक्शन कैलकुलेशन, मतलब ये फ्रैक्शंस के कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सपोज मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना है 2/3 + 1+2, तो इसका आंसर डायरेक्टली मुझे कैसे आएगा, तो 2/3 कैसे लिखते हैं पहले, तो 2 फिर ABC जो लिखा है, ये ABC ये हो गया डिवाइड बाय 3, ये हो गया 2/3 प्लस 1/2, तो ये मेरा आंसर आ गया 1/6 मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये हो गया फ्रैक्शन कैलकुलेशन। और अगर मुझे टू कन्वर्ट फ्रॉम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन और वाइस वर्सा, प्रेस शिफ्ट प्लस दिस की, तो ये जैसे कि कलर कोड दिखा रहा है, शिफ्ट प्लस D/C करने से ये आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में। और फिर से मैं ये दबाऊ तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा डेसिमल में। तो ये बहुत ही क्लियर है कि फ्रैक्शन कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करता है इसमें। तो उसके बाद
ट्रिगोनोमेट्रिकल कैलकुलेशन हम देखते हैं, मतलब साइन 30, अगर मुझे साइन 30, कॉस 30, साइन 45, वॉट एवर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करना है? सिंपल है, क्योंकि ये व्हाइट में लिखा है, शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है। साइन 30 इज इक्वल टू, मतलब वो टेबल के अनुसार में आएगा 1/2, तो उसका कैलकुलेशन का आंसर है 0.5, तो ये 1/2 भी आ जाएगा, जैसे चाहिए वैसे। तो बहुत ही सिंपल है, कॉस 30 डिटरमाइन करने के लिए मैं कॉस 30 इज इक्वल टू करूंगा, तो ये आ जाएगा 0.86। और इसको फ्रैक्शन में अगर हमारा आंसर चाहिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में है, तो उसका आंसर मिलेगा यहां से, बेस में तो नहीं आ रहा है, पर √3/2 आ जाएगा इसमें। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशंस, जो कि साइन कॉस और टेन में डायरेक्टली हो जाएंगे इसमें। तो उसके बाद अगर हमें साइन इनवर्स फाइंड करना है, तो वो भी बहुत इजीली फाइंड हो सकता है, जैसे कि ये कलर कोड कह रहा है साइन इनवर्स है येलो में, तो उसके लिए मुझे शिफ्ट दबाना पड़ेगा, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.5, तो मुझे आंसर 30 आ जाना चाहिए, तो कि आ गया साइन इनवर्स 0.5 30, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.5 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे जो भी कीज प्रेस करनी है, वो उसके स्विचेस मैंने डार्क ग्रीन कलर की स्केच पेन से ब्लॉक करके सीक्वेंस में दी गई है, तो ध्यान से आप लोग एक बार सीख लीजिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो कि कुछ स्विचेस यानी कि की स्टडी करने हैं। एक्स रूट रेज टू क्यूब रूट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ENG एरो एक्स रेज टू -1 दैट इज एक्स इनवर्स एक्स फैक्टोरियल पाई अंडर रूट, तो ये कुछ कीज है जो कि इसमें दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो एक के बाद एक ये सभी फंक्शंस कैसे यूज करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये रेज टू का यूज क्या है, दिस स्विच दिस ये रेज टू व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। तो उसके लिए मुझे लिखना है, कोई भी कीज अगर मैं प्रेस कर दूं, जैसे कि टू, उसके बाद रेज टू मतलब उसका पावर कितना रखना है, अगर मैं 3 रखता हूं तो उसका आंसर आ जाएगा 8, 2 × 2 × 2 रेज टू 3 हो गया 2 × 2 × 2 दैट इज 8। तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी पावर हम सेट कर सकते हैं इससे, 2 raised to 9 तो 512 दैट इज 9 टाइम्स वी हैव टू प्रेस 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये आ गया 512 जो कि हमने देखा था 512 2 raised to 9 तो सो दिस इज द यूज ऑफ रेज टू। इसके बाद हम किसी भी वैल्यू का एक्स रूट भी फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर मैं यहां पे 9th रूट मुझे चाहिए, तो शिफ्ट ये 9th रूट हो गया और कुछ भी वैल्यू लिख देता हूं 365, तो उसका आंसर आ जाएगा 1.926। तो 365 का 9th रूट मुझे मिलेगा 1.926, तो कोई भी प्रकार का रूट मैं यहां पे फाइंड कर सकता हूं, जैसे कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट फोर्थ रूट फिफ्थ रूट सिक्स रूट सेवेंथ रूट, कोई भी रूट में ये यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये हो गया एक्स रूट, और अगर मुझे क्यूब रूट चाहिए और स्क्वायर रूट चाहिए, जैसे कि ये और ये स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो वो डायरेक्टली स्विच दी गई है इसमें, जैसे कि 9 का अगर मुझे क्यूब रूट निकालना हो, तो ये शिफ्ट नाइन डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा। फिर से एक बार दिखाता हूं, शिफ्ट ये क्यूब रूट की साइन आ गई 9, तो ये उसका आंसर आ गया। 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो, तो उसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये आ गया 3। तो बहुत ही सिंपल है, ये आ गया स्क्वायर रूट क्यूब रूट एक्स रूट रेज टू, और अगर मुझे स्क्वायर और क्यूब करना हो, तो उसके लिए मैं दिखाऊंगा आपको 9, अगर 9 का मुझे स्क्वायर करना हो, तो आंसर 81 आ जाएगा, तो 9 स्क्वायर हो गया 81 डायरेक्टली, 9 और ये स्क्वायर एक्स रेज टू 2 की साइन दबानी है,
तो आंसर आ जाएगा 81। कोई भी वैल्यू दबा सकते हैं, 5 स्क्वायर 25। तो क्यूब रूट करने के लिए यहां पर दिया गया है 9 का क्यूब रूट डायरेक्टली मिल जाएगा यहां से 729, 2 का क्यूब रूट यहां से 8, 3 का क्यूब रूट यहां से, तो ये हो गया x और x स्क्वायर। अभी x इनवर्स करता हूं फाइंड, x रेस टू माइनस 1 x इनवर्स, तो ये 9 और ये इनवर्स, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.111। तो इसका मतलब है अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 9 करता हूं तो उसका आंसर आ गया 0.111, तो ये हो गया 9 इनवर्स। तो फिर से एक बार दिखाता हूं, 9 इनवर्स 0.111, तो ये आ गया हमारा इनवर्स, तो ये हो गया x रेस टू माइनस 1 और x इनवर्स। उसके बाद में x फैक्टोरियल, मतलब अगर मैं 5 फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए मैं 5 दबाऊंगा और ये फैक्टोरियल की साइन यहां पे दी गई है, शिफ्ट फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आएगा 120। तो दोस्तों पहले 5 फैक्टोरियल मतलब क्या है ये सिखा देता हूं। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया पूरा 5 फैक्टोरियल, इसका आंसर दिया गया है 120, जो कि हमने यहां 5 यहां से फाइंड किया, 5 शिफ्ट फैक्टोरियल, आंसर मिल गया 120। एक बार मैनुअल कैलकुलेशन करके देखते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो आंसर इज 120। यस, आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट एंड आवर कैलकुलेटर इज करेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे पाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। कहीं पर भी अगर मैं पाई की वैल्यू इनपुट करनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे शिफ्ट पाई। चलो देखते हैं, इज इक्वल टू करके 3.14, जैसे कि हमें मालूम है पाई की वैल्यू है 3.14, तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो 2πr, उसके लिए मैं देखूंगा 2 × shift π × r, सपोज 2 5 है, तो डायरेक्टली मुझे आंसर आ जाएगा 31.41। तो ऐसे हम पाई की वैल्यू कहीं पर भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर दो बाकी रहे, ENG और ये एरो, तो उसके लिए अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं 9 / 654 समथिंग, तो उसका आंसर है 1.3746। तो अगर मुझे ये पॉइंट यहां से लेफ्ट और यहां से राइट ले जाना है तो इसके लिए मैं ENG वाली साइन यूज करूंगा, ये वाली और ये एरो। तो अभी मैं देखता है ENG दबाने से क्या होता है। तो ये पावर देखे गया और पॉइंट देखेगा, शिफ्ट ये एरो दबाऊंगा तो ये पावर फिर से इस बाजू आ जाएगा। तो ये डिफॉल्ट हमारा जो आंसर था 1.374 समथिंग × 10⁻³, तो ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा और ये पावर −2 − 1 इस तरफ आ जाएंगे। तो देखते हैं शिफ्ट ENG, 10⁻⁰ आ गया और 0.0013, और सिर्फ ENG दबाओगे तो पॉइंट राइट हैंड साइड जाएगा। देखिए 10⁻⁹ में आ गया, 10⁻⁻² में आ गया, फिर से लेफ्ट जाते हैं तो ये आंसर आ गया 10⁻⁰ में। तो ऐसे ये पॉइंट को लेफ्ट और राइट जाने में और 10⁻⁷ सेट करने में ENG और एरो यूज होते हैं। तो अब हम ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन, मतलब अगर हम परसेंटेज का कोई कैलकुलेशन करना है, जो कि अगर हमें 150 का 20% निकालना हो तो जो कि आंसर आएगा 30, तो वो कैसे करेंगे, तो 150 × 20 शिफ्ट इज इक्वल टू परसेंटेज। चलो देखते हैं, 150 × 20, फिर शिफ्ट, फिर इक्वल टू, फिर परसेंटेज। तो ये आंसर आ गया 30। तो चलो देखते हैं फिर से हमने कैसे परफॉर्म किया, 150 × की साइन × 20, फिर परसेंटेज की साइन डायरेक्टली दबाने के लिए शिफ्ट, और ये इक्वल टू के ऊपर जो कलर कोड दिया गया है परसेंटेज का है, तो डायरेक्टली हमें 30% आंसर आ गया। 150 × की साइन 20, शिफ्ट क्यों दबा रहे हैं हम, परसेंटेज की साइन के लिए, और आंसर आ जाएगा 30।
दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इंक्रीज 2500 बाय 15%। अगर हमें 2500 को 15% बढ़ाना है, जो कि उसका आंसर हमें मालूम है 2875, तो उसको कैसे परफॉर्म करते हैं? 2500 मल्टीप्लाइड बाय 15, जो क्योंकि हम 15% बढ़ा रहे हैं, उसके बाद में शिफ्ट परसेंटेज हो गया, शिफ्ट इक्वल टू करने से परसेंटेज हो गया, और मैं प्लस की साइन अगर दबाता हूं तो उसका मतलब है कि वो ऐड हो जाएगा बेस वैल्यू में 2500 में, ये आ गया 2875। इसमें हमें 30 ऐड नहीं किया था, अगर इसके बाद हम और 30 प्लस की साइन दबाते तो ये 150 में ऐड हो जाता, आंसर आता 180। फिर से देखते हैं, 2500 इंटू 15 और परसेंटेज, तो 15% हो गया 375, पर मुझे ये 15% नहीं चाहिए था, इसके ऊपर ऐड किया गया होना चाहिए था, तो 2875 प्लस दबाने से आ जाएगा। और अगर ये डिक्रीज मुझे चाहिए था तो माइनस दबाना था, तो क्या होगा, 2500 में से ये 300 जो मिला था वो माइनस हो जाएगा। तो ये परसेंटेज कैलकुलेशंस के यूज है, उसके फंक्शंस है। तो आगे देखेंगे, ये लास्ट वन है हमारा, वेरिएबल्स ए बी सी डी ई एफ एक्स एंड वाई। तो यहां पे आप रेड कलर के वेरिएबल्स देख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ एक्स एंड वाई। तो ये सब वेरिएबल्स कैसे यूज होते हैं और इसका फंक्शन कैसे होता है। टू असाइन द रिजल्ट ऑफ 3+y टू वेरिएबल है, तो मतलब हमें कुछ वैल्यू स्टोर करनी है इस वेरिएबल्स में। अगर 3+y की वैल्यू मुझे एक वेरिएबल जो कि 8 है, एक वेरिएबल ए में स्टोर करनी हो, तो कैसे करते हैं उसके स्टेप्स दिखा रहा हूं। 3+5 शिफ्ट रिकॉल, 3+5 शिफ्ट रिकॉल, फिर एसटीओ यहां पे आ जाएगा, उसके बाद में ये वाली साइन दबानी है माइनस की, ए वाली साइन, तो मतलब इसकी वैल्यू जो है ए में स्टोर हो गई जो कि 8 है। अब मैं एसी दबा देता हूं, तो मल्टीप्लाई दी कंटेंट ऑफ वेरिएबल ए बाय 10। अगर जो भी वैल्यू स्टोर हुई है ए में, जो 8 है, अगर मुझे 10 से मल्टीप्लाई करनी हो तो कैसे करेंगे, अल्फा ये ए मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू, तो आंसर आ गया 80, जो क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास थी 8, तो हमारा इंटू 10 मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 80। सो दिस इज हाउ वी कैन स्टोर द वैल्यूज इन द वेरिएबल्स। कोई भी वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के दौरान अगर हम कोई भी वैल्यू याद नहीं रखनी हो तो वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं, और कहीं पर भी उसको पूरी वैल्यू नहीं लिखनी पड़े, उसकी वजह हम ए बी सी डी ई एफ एक्स और वाई यूज करके उसमें फिर से रिकॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो, जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।